बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन पर बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है। एक रिपोर्ट की खबर पर कानून हरकत में आ गया। अदाकारा उज़्मा खान और इनकी बहन पर अहम शख्सियात के अहले खाना के तशद्दुद का मुकदमा डिफेंस सी में दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एहसास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर जाके क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। अहम शख्सियात के अहले खाना ने कानून की धज्जियां उड़ा दीं। अहम शख्सियात के अहले खाना मुसल्ला गार्ड्स के साथ इनके घर में दाखिल हुए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। रोकने पर न सिर्फ इन्हें बल्कि इनकी बहन को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनके घर की तोड़फोड़ कर दी। वाकये की वीडियोस पर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई हैं। हमले के बाद उज़्मा खान अहम शख्सियात के अहले खाना और मुसल्ला गार्ड्स के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त लेकर थाना डिफेंस सी में पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तो आला अफसरान हरकत में आ गए। अहम शख्सियात की तीन करीबी रिश्तेदार खवातीन आमना मलिक, पश्मीना मलिक और नामजद समेत 15 नामालूम मुसल्ला गार्ड्स के खिलाफ उज़्मा खान ने मुकदमा दर्ज करा लिया। उज़्मा खान के वकील हसैन नियाजी ने FIR को कमज़ोर करार दे दिया। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक कानून से कोई भी बालातर नहीं है। मुकदमा जेरे दफ़ा 452, 427, 506 और 337 एफ और 337 एल के तहत दर्ज किया गया है। केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी और इस वाक़े में मुलविस मुलजमान को ज़रूर सजा दी जाएगी। आए आप जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, आए हम आपको वो भी दिखाएँ कि किस तरह उज़्मा खान और इनकी बहन पर तशद्दुद किया गया।